हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैरम की एमिंग की एक्यूरेसी के बारे में। दोस्तों, आप सब जानते हैं तो कैरम में द मोस्ट यूजफुल जो थिंग है वो है एक्यूरेसी, एमिंग की एक्यूरेसी। आपकी एमिंग में जितना एक्यूरेसी होगा आप उतने अच्छे प्लेयर बन सकते हो। आप अगर अच्छे अच्छे प्लेयर को फॉलो करेंगे तो ये ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि उनकी एमिंग का जो एक्यूरेसी है वो कितना परफेक्ट है। जितना परफेक्ट उनका एक्यूरेसी है उतने ही बड़े प्लेयर वो है। तो कैरम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्यूरेसी, एमिंग की एक्यूरेसी। आप किसी भी ट्रिक शॉट, कितनी भी ट्रिक शॉट सीख लो, अगर आपकी एमिंग में एक्यूरेसी नहीं है आप कभी भी एक बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है आपकी एमिंग की एक्यूरेसी के ऊपर। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ स्टेप्स आपको दिखाने वाला हूँ, उन चार पांच स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी एमिंग की एक्यूरेसी 100% इम्प्रूव होने वाला है। तो पहला जो स्टेप है वो है आपकी एमिंग की जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के राइट जजमेंट। नेक्स्ट है ग्रिप, ग्रिप की स्टेबिलिटी। आप किसी भी ग्रिप पे खेल लो लेकिन अगर आपके ग्रिप में स्टेबिलिटी है, मेरा मतलब है स्ट्राइकर के ऊपर आपका ग्रिप की जो कंट्रोल है वो फुल कंट्रोल होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपकी बॉडी की पोजीशन। आप जिस कॉइन को पॉकेट कर रहे हो उसी लाइन में आपकी बॉडी होनी चाहिए, बॉडी की पोजीशन सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है वो है कंसंट्रेशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कंसंट्रेशन करना है। तो देखिए, मुझे अगर किसी भी कॉइन को पॉकेट करनी है तो मुझे इन चार पांच स्टेप्स किस तरह से धीरे धीरे फॉलो करके देखिए पॉकेट करनी है। ये ब्लैक कॉइन मुझे पॉकेट करनी है तो देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो जज कर लिया, अब स्ट्राइकर रखना है और उसके बाद ग्रिप की स्टेबिलिटी आना चाहिए। देखिए ग्रिप सेट करना है, ग्रिप के जो उंगली है इधर उधर नहीं होनी चाहिए, एकदम फिक्स्ड होनी चाहिए। और देखिए स्ट्राइकर प्लेस किया, बॉडी की पोजीशन सही है, कॉन्सेंट्रेट करके पॉकेट करेंगे। इस तरह से चार पांच स्टेप्स आप हर एक कॉइन पॉकेट करने से पहले फॉलो कीजिए। तो मैं कुछ कॉइन्स बोर्ड पे, 12-13 कॉइन्स बोर्ड पे रखूँगा और उसे एक के बाद एक कॉइन पॉकेट करके दिखाऊँगा इन स्टेप्स को फॉलो करके। तो देखिए बोर्ड पे कुछ 12-13 कॉइन्स है और मुझे हर एक कॉइन पॉकेट करनी है, हर कॉइन उन चार पांच स्टेप्स फॉलो करके पॉकेट करनी है। देखिए एक के बाद एक कितना काम एंड कंपोज्ड तरीके से मैं पॉकेट कर रहा हूँ वो देखिए। हर कॉइन पॉकेट करने से पहले 10 सेकंड मिलती है और 10 सेकंड के अंदर अंदर उन चार पांच स्टेप्स फॉलो करनी है। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अच्छी तरह से जांच करना है, इस तरह से आपको रोज प्रैक्टिस करना है। देखिए कम से कम 1.5-2 घंटे इस तरह से प्रैक्टिस जरूर करना है। कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, देखिए एकदम काम एंड कंपोज रह के हर एक कॉइन पॉकेट करनी है। देखिए हर कॉइन पॉकेट करने से पहले वो स्टेप्स मैं मन ही मन में फॉलो कर रहा हूँ। देखिए तो देखा इस तरह की एमिंग की एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी। अगर आप एक बड़े प्लेयर बनना चाहते हो तो इस तरह की एमिंग की एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। अगर आप किसी टूर्नामेंट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो आपको हर दिन 1.5-2 घंटा एमिंग के ऊपर इस तरह से टाइम देना होगा और इस तरह से अगर आप स्टेप्स फॉलो करके प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एमिंग की एक्यूरेसी 100% इम्प्रूव होने वाला है। तो इस तरह की वीडियो
मैं बनाता रहता हूँ और टिप्स देता रहता हूँ। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।